नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आपको बता दें कि आज से राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गर्भगृह के निर्माण के लिए पहली शिला रखी है। वहीं इस उत्तराखंड के सीएम योगी को बधाई देते हुए कहा कि हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम के गर्भगृह का आज शिला पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है, जो सभी भक्तों के लिए बेहद हर्ष का विषय है। मैं सभी के लिए बधाई देता हूं। हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम के गर्भगृह का आज शिला पूजन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है, जो सभी राम भक्तों के लिए, राष्ट्र भक्तों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं उसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूँ। लगभग दो साल पूर्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का, भव्य परिसर का निर्माण का काम प्रारंभ हुआ है और मुझे विश्वास है जल्दी ही जो है भव्य और दिव्य राम। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 14 जून से राजधानी देहरादून के विधानसभा में आहूत किया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। हालांकि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र न किए जाने के लिए सफाई भी पेश की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और ऐसे में सरकारी मशीनरी के अलावा पुलिस प्रशासन धाम यात्रा को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए जान भी लगा दी गई है। वहीं गैरसैंण में विधानसभा का सत्र कराया जाना सरकारी मशीनरी और पुलिस प्रशासन के सामने चारधाम यात्रा को सही तरीके से संचालित करने में कोई परेशानियों को नहीं बढ़ाया गया है, लिहाजा इन तमाम दिक्कतों से बचने के लिए राज्य सरकार ने गैरसैंण में के बजाय देहरादून विधानसभा में ही बजट सत्र का आहूति कराने का भी फैसला किया है। यात्रा सीजन इतना जबरदस्त होने के कारण जो व्यवस्थाएं हैं, देखिए राज्य हमारा है, संदेश हमें देना है। अगर उन सब परिस्थितियों में लगातार विधायक लोग और कांग्रेस के भी अनेक लोग आवाज़ उठा रहे थे तो निश्चित रूप से सरकार ने सोच समझकर निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि राज्य के हित में, आने वाले यात्रियों के हित में निर्णय ठीक है। भारतीय रेलवे द्वारा संचालित ओक ग्रेव स्कूल मंसूरी में 135वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई है, साथ ही पुरस्कार भी वितरित किया गया है। मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के दौरान मौजूद दर्शन मंत्र मुक्त हो गए हैं। वहीं उनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उत्साहवर्धन भी किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रेलवे के चेयरमैन और जनरल मैनेजर आशुतोष गंगल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, वही ध्वजारोपण कर दिया है और उन्होंने अपने संबोधन में स्कूली छात्र छात्राओं को कड़ी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने की बात कही है। देखिए, ये पिछले दो वर्षों में आपको मालूम है कोविड महामारी के चलते स्थापना दिवस फाउंडर्स डे नहीं हो पाया था, तो इस वर्ष का फाउंडर्स डे इस दृष्टि से विशेष है। इसीलिए हम लोगों ने हेडक्वार्टर से काफ़ी ऑफिसर्स आए हैं जिससे बच्चों के साथ हम लोग और टीचर्स के साथ मिल सकें, और काफ़ी दिनों से स्कूल बंद था तो उसमें हम लोगों ने विशेष प्रयत्न करके कुछ काम भी कराए हैं और उसके बाद जो हमें फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट करने हैं उसके लिए भी हम लोगों ने निरंतर लगे हुए हैं। जैसे LED स्क्रीन्स हम लोग सभी क्लासेस में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ किचन में इम्प्रूवमेंट किए थे, कुछ बच्चों के बैठने के रिक्रिएशन एरिया में इम्प्रूवमेंट किए थे, और भी इम्प्रूवमेंट अभी इसमें हमें करने हैं, वो हम लोग निरंतर करते रहते हैं। चेष्टा यही रहती है कि ये स्कूल अपने एरिया का सर्वश्रेष्ठ स्कूल रहे, तो उस दृष्टि से हम लोग
जो भी इनपुट की आवश्यकता होती है वो देते हैं। स्थानीय लोगों को भी स्कूल में एडमिशन, देखिए ये स्कूल की स्थापना हुई थी क्योंकि रेलवे में ट्रांसफरेबल सब लोग ट्रांसफरेबल सर्विस में रहते हैं, तो सब लोगों की पोस्टिंग ऐसी जगह नहीं हो पाती जहाँ उनके बच्चे उनके साथ पढ़ाई कर सकें, तो उस दृष्टि से स्कूल की स्थापना करी गई थी। तो इसमें ज़्यादातर बच्चे जो है वो रेलवे एम्प्लॉयज़ के जो ट्रांसफरेबल पोजीशंस में रहते हैं उनके आते हैं, बाकी कुछ बच्चे हम लोग बाहर से भी लेते हैं। अभी लगभग 7-8% बच्चे हमारे नॉन रेलवे के भी हैं, और इसमें हमारे पास अभी कैपेसिटी की लिमिटेशन है। वैसे हमारे पास एप्लीकेशंस तो बहुत आती हैं लेकिन कैपेसिटी की लिमिटेशन, और हमें रेलवे स्टाफ के बच्चों को प्राथमिकता देना ज़रूरी है। सर आरक्षण की सुविधा कई स्थानों पर बंद हो चुकी है, तो क्या मुरादाबाद जो जनसद है आरक्षण सुविधा समाप्त कर दी? किसकी? रेल आरक्षण की? आरक्षण नहीं, रेल आरक्षण की सुविधा तो सब जगह अवेलेबल है। अब देखिए ऐसा है कि 75% टिकटें ऑनलाइन खरीदी जाती हैं, तो इस हिसाब से हम लोगों ने विंडोज जरूर कम किए हैं लेकिन बंद। उत्तराखंड के मसूरी में एक स्कूल के 135वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में अपनी अपनी अलग अलग प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के द्वारा उन्हें पुरस्कार भी वितरित किया गया, जहाँ कई तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों का मनोबल भी बढ़ाया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मसूरी में छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में प्रस्तुतियां दी, जहां अलग अलग तरह के डांस नृत्य की भी प्रस्तुतियां दी गई। उत्साहवर्धन कर छात्र छात्राओं का मनोबल भी बढ़ाया गया। इस दौरान स्कूल के 135वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मसूरी के एक स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें छात्र छात्राओं को ट्रॉफी भी वितरित की गई है। उसी दौरान जुम्बो का भी छात्रों ने प्रदर्शन किया और भरतनाट्यम का भी प्रदर्शन किया है। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अलग अलग तरह की डांस की प्रस्तुतियां दी गई है। वही पंजाब की शान कहे जाने वाले डांस को भी बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उसी दौरान उन्होंने कथक का भी डांस प्रदर्शित किया है। आपको बता दें कि छात्र छात्राओं ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया है। उत्तराखंड के मसूरी में 135वें स्कूल का स्थापना दिवस मनाया गया, जहाँ छात्रों ने अलग अलग प्रस्तुतियाँ कर दर्शकों का मन मोह लिया है और उन्हें उत्साहवर्धन के लिए तालियों की गड़गड़ाहट भी दी गई है। और वही जुम्बो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि अलग अलग डांस की भी प्रस्तुतियां की गई है, जिससे दर्शकों का मन मोह लिया है। बच्चों ने अपने प्रदर्शन से लक्ष्मण झूला थाना अंतर्गत चीला की आवासीय कॉलोनी के एक कमरे में अचानक आग लग गई। घटना के दौरान एक युवक कमरे के अंदर ही बेहोश हो गया, जिसे पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। पुलिस को सूचना मिली कि चीला प्रोजेक्ट कॉलोनी के सरकारी आवास में आग लग गई, जहां कमरे के अंदर एक युवक बेहोश होकर गिर गया। सूचना मिलते ही चीला चौकी प्रभारी शतानंद सेमवाल, कांस्टेबल नीरज कुमार राहत बचाव के लिए मौके पर पहुंचे, जहां अपनी जान की परवाह किए बिना बगैर पुलिस ने किसी तरह से पानी डालकर आग पर हल्का काबू पाया और कमरे में बेहोश हुए युवक को किसी तरह से बाहर निकाल लिया, जिसे उपचार के लिए तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। आज दोपहर लगभग 2:45 बजे की घटना है। एक हमारे कर्मचारी हैं अमित कुमार, उनके आवास में अचानक किसी पता नहीं किस कारण से आग लग गई, जिसकी सूचना हमारे द्वारा तुरंत ही पुलिस चौकी में श्री सेमवाल जी चौकी इंचार्ज हैं उनको दी गई। उन्होंने त्वरित गति से कार्य करते हुए अपने पूरे फोर्स के साथ में जाकर कॉलोनी में तुरंत आवास पर गए
और बहुत मुस्तैदी से कार्य करते हुए उसको बचाया, बाहर निकाला, सुरक्षित बाहर निकाला और तुरंत ही आग पर भी काबू पाया गया। मैं उनके इस कार्य के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए बुधवार से खोल दी जाएगी। फूलों की घाटी यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल है। फूलों की घाटी घूमने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। पर्यटन विभाग ने इसे खोलने की पूरी तैयारियां कर ली है। पार्क प्रशासन एक महीने से तैयारियों में जुटा हुआ था। प्रशासन ने 4 किलोमीटर पैदल मार्ग की मशक्कत के बाद रास्ते को 2 पैदल पुल पर निर्माण भी करवा दिया गया है। वहीं पर्यटन सचिव दिलीप ने बताया कि समुद्री तट में 3,962 मीटर ऊंचाई यह घाटी 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। उत्तराखंड के खानपुर विधायक उमेश कुमार को क्षेत्र में दापकी कला गांव के कई ग्रामीणों द्वारा मिले सड़क निर्माण को लेकर घोर लापरवाही और मानकों के विपरीत घटिया निर्माण की शिकायत मिलने के बाद उस वक्त हड़कंप मच गया जब विधायक खुद ही फौरन मौके पर पहुंचे और देखते ही देखते लोक निर्माण विभाग के अधिकारी समेत ठेकेदारों को भी मौके पर तलब कर दिया है। इस दौरान विधायक उमेश कुमार ने मौके पर पहुंचे हैं और ठेकेदार को फटकार लगाई। ये गांव की जो सड़क है मुख्य सड़क से अंदर तक उसका निरीक्षण किया और 2 सेंटीमीटर ये बांस है तो अभी वही देख रहे थे कि निर्माण कार्य जो है वो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है इसका और क्वालिटी कैसी है उसी का निरीक्षण किया है। हमारा नाम दापकी कला है जो लगता तहसील के अंदर आता है और ये जो रोड बन रही है ये गोविंदपुर रोड के साथ है, एक लिंक रोड है। देख माल ऐसा करना चाहिए जिससे कि 5 साल है जो चलनी चाहिए। अब ये बार बार टूटने से फ़ायदा क्या है, ये इनसे ठेकेदारों से वसूली होनी चाहिए क्योंकि पैमाना जो कहता है हमारा PWD का वो जब खड़ी करते हैं अपनी एक कील खड़ी करते हैं तब ये पता लगता है कि बरसात के मौसम में वो टूट जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम कर रही है। इसीलिए उत्तराखंड बीजेपी भी प्रदेश भर में मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए 1 जून से 15 जून तक लोगों के बीच एक पखवाड़े के रूप में की जाएगी। वहीं मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी ने सीधे बातचीत की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। चूंकि आज मोदी सरकार को देश में 8 साल पूरे हो गए हैं, सर किस तरह से आप देखते हैं उपलब्धियों पर आप आज बात कर रहे हैं? 8 साल में अगर माना अगर बात की जाए किस तरह की उपलब्धियाँ रहेंगी? 8 वर्षों में मोदी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए, सेवा सुशासन के लिए बहुत सरकार के माध्यम से एक समर्पित सरकार की तरह कार्य किया। आज चाहे देश के अंदर युवाओं के रोजगार की बात करें स्टार्टअप से लगाकर अन्य योजनाओं की, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, चाहे किसानों को इनकम दुगनी करने की तरफ सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की बात करें, चाहे देश के अंदर अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक योजनाओं के माध्यम से लाभ देने की बात करें, कोविड काल में लोगों को चाहे राशन देने की बात करें, चाहे कोविड के लिए वैक्सीन देने की बात करें, चाहे देश के अंदर भारत को किस प्रकार से हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया है, आज पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है। आज जहाँ हमने भारत के अंदर कोविड काल में यहाँ के लोगों के लिए मोदी जी ने वैक्सीन की बात करें या अन्य इक्विपमेंट की बात करें उनकी व्यवस्था की, हमें पूरी दुनिया को भी लगभग 100 से ज़्यादा देशों को भी हमने कोरोना की लड़ाई में मदद का काम किया है। आज वर्तमान में भारत की विदेश नीति की सराहना सभी लोग कर रहे हैं,
यूक्रेन रशिया के युद्ध में जहाँ रशिया भारत को अपना अच्छा दोस्त बताता है, हमें यूक्रेन भी भारत से ही सहायता की गुहार कर रहा है। सर, एक पखवाड़े के रूप में भी आप जनता के बीच जा रहे हैं, आपका कार्यक्रम भी है 1 जून से 15 जून तक, उसमें सर क्या कुछ होने वाला है, क्या योजनाओं के बारे में तमाम जो प्रदेश के लोग हैं उनको बताया जाएगा उसके बारे में? देखिए, ये कार्यक्रम हमारा आज से शुरू होकर और पूरे 15 दिन चलने वाला है। इस कार्यक्रम में चाहे हमारे युवाओं, चाहे हमारी महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, किसान, सेवा का भाव, हर जनप्रतिनिधि के लिए कार्य, 75 घंटे कम से कम अपने क्षेत्र में इन 15 दिनों में हमें जनता के साथ जुड़कर उन योजनाओं की चिंता करनी है, योजनाओं का कैसा लाभ मिले इसकी बात करनी है। तो ये इस प्रकार के हमारे कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों में भारत सरकार के भी 2 मंत्री राज्य में रहने वाले हैं, वो भी इसी का एक हिस्सा रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अभियान हम लोग इस रूप में ले रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा आज से शुरू होकर और पूरे 15 दिन चलने वाला है। इस कार्यक्रम में चाहे हमारे युवाओं, चाहे हमारी महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, किसान, सेवा का भाव, हर जनप्रतिनिधि के लिए कार्य, 75 घंटे कम से कम अपने क्षेत्र में इन 15 दिनों में हमें जनता के साथ जुड़कर उन योजनाओं की चिंता करनी है, योजनाओं का कैसा लाभ मिले इसकी बात करनी है। तो ये इस प्रकार के हमारे कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों में भारत सरकार के भी 2 मंत्री राज्य में रहने वाले हैं, वो भी इसी का एक हिस्सा रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अभियान हम लोग इस रूप में ले रहे हैं। सर, देखा जाए तो बीते 8 सालों में जहाँ एक तरफ आपको मुद्दे की बात कर रहे हैं, साथ में एक महंगाई और बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा सामने आया है इस पर, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या का निवारण करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए? मोदी सरकार ने लगातार देश के अंदर एक वातावरण बदला है। आज पूरी दुनिया जहां अर्थव्यवस्था को लेकर पीछे की तरफ जा रही है, मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, जिनका साफ तौर से कहना है कि 8 साल में मोदी सरकार ने जितनी भी तमाम उपलब्धियां हैं उनको 1 जून से 15 जून तक एक पखवाड़े के रूप में उनको प्रदेश में कोने कोने तक तमाम जो लोग हैं उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि प्रदेश में मोदी सरकार ने प्रदेश के लोगों को किन किन योजनाओं का लाभ दिया है। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं सस्त्रीजा, फ्री एनवी न्यूज़, देहरादून। उत्तराखंड में होने वाले बजट सत्र की तारीख और स्थान में बदलाव किए जाने को लेकर मुख्य विपक्ष दल कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र अब 14 से 20 जून को देहरादून में होने जा रहा है। इससे पहले यह सत्र 7 जून से गैरसैंण में शुरू होने वाला है, लेकिन चारधाम यात्रा 10 जून को राज्यसभा चुनाव की वोटिंग और 10 जिले में चल रही है। पुलिस भर्तियों को देखते हुए ये बदलाव किया गया है। धामी सरकार का यह महत्वपूर्ण बजट अब देहरादून में ही होना तय है। वित्त और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी बातों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में ही किया जाएगा। जबकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गैरसैंण में बजट सूत्र न होना उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा और विधानसभा की अवमानना होगी। 20 जून तक होना है और देहरादून में हो रहा है, ये बजट सत्र होगा और उम्मीद कर रहा हूँ ये बजट सत्र हमारे तभी सभी माननीय विधायकों के सहयोग से अच्छा संपन्न होगा। सर, कल्पना सैनी जी को मैं बधाई दे रहा हूँ, हमारे यहाँ से राज्यसभा के सांसद के रूप में आज वो नामांकन कर रही है। उम्मीद कर रहा हूँ निर्विरोध वो हमारी सांसद बनेगी और आने वाले समय पे जैसे वो हमारी महिला हैं, अन्य पिछड़ा क्षेत्र से आती हैं, हरिद्वार से आती हैं, पढ़ी लिखी हैं, हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ करेंगे। श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बजट सत्र देहरादून में ही आयोजित करने का फैसला किया। बड़े बहाने बनाए के लिए गैरसैंण में जाने दो ऐसे महारथी जो अपने को राज्य आंदोलन का पुरोधा कहते हैं, उन्होंने चार धाम यात्रा के संचालन का बहाना बनाकर
गैरसैंण में सत्र न होने की वकालत की। हम तभी समझ गए थे इरादा नेक नहीं, लेकिन श्री पुष्कर सिंह धामी और उनके संसदीय कार्य मंत्री ये भूल गए कि उत्तराखंड की विधानसभा ने संकल्प पारित किया है, प्रस्ताव पारित किया है कि बजट सत्र हमेशा गैरसैंण में होगा। जब तक वस्तुतः पूरी राजधानी गैरसैंण में नहीं चली जाती, वहाँ से संचालित नहीं नहीं बल्कि इस वर्ष शायद ही गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होगा, तो ऐसी स्थिति में मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करना चाहूँगा, विरोध पक्ष के विधायक गणों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो धामी सरकार के खिलाफ मानहानि विधानसभा की अवहेलना का, विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव लेकर के आए, बल्कि नियमों के तहत वो निंदा प्रस्ताव भी राज्य सरकार के खिलाफ लेकर के आए। जनता तो निंदा कर ही रही है, विधानसभा को भी पहले दिन ही राज्य सरकार की निंदा करनी चाहिए कि उन्होंने विधानसभा की अवहेलना की और मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में सेवा सुशासन पखवाड़ा करने जा रही है। इसके मद्देनजर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मदन कौशिक ने केंद्र सरकार में मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि देश के अंदर एक पखवाड़े के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मोदी सरकार की तमाम योजनाओं को 1 जून से 15 जून तक समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचाने का काम करेंगे। साथ ही कौशिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सेवा कल्याण के लक्ष्य के साथ आम लोगों के लिए काम कर रही है। प्रेस का कार्यक्रम होगा। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय मोदी जी ने हमेशा से गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। सरकार की हर योजना, हर नीति वो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को समर्पित है। इस 8वें वर्ष में लगातार सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, यही एक लक्ष्य लेकर सरकार काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जन कल्याण के लिए और जन भागीदारी के साथ और जन सरोकार को समर्पित ये जन जन की सरकार इस प्रकार से आम लोगों के लिए काम कर। चारधाम यात्रा हेतु हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर देश भर में लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड चमोली पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। अब तक देश में अलग अलग लोगों से 15 से 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। एसपी चमोली श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान साइबर ठगों द्वारा फर्जी साइट तैयार कर होटल बुकिंग, यात्रा रजिस्ट्रेशन और चारधाम यात्रा हेतु हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए नाम पर फर्जी साइट बनाकर लाखों रुपए की ठगी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के श्री बद्रीनाथ दर्शन को आए श्रद्धालु अमरीश कुमार द्वारा कोतवाली बद्रीनाथ में आकर बताया कि 15 मई को हिमालयन हेली सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा केदारनाथ हेतु ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर उनके साथ 24,950 रुपए की ठगी की गई थी। पंद्रह मई को उत्तर प्रदेश से आए एक श्रद्धालु द्वारा बद्रीनाथ थाने में एक तहरीर दी गई कि उनके द्वारा हिमालयन हेली सर्विस नाम की एक साइट से केदारनाथ यात्रा के लिए बुकिंग करवाई गई थी, पर उसके बाद जो एजेंट है वो उनका
का लगातार जो है फोन उठा नहीं रहा है और उनकी टिकट भी जो है दी नहीं गई है, जबकि उनसे 24,000 से ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफ़र उनके द्वारा उसके अकाउंट में किया जा चुका है। उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, हमारे द्वारा टीम बनाई गई और यह पता चला कि अभियुक्त की जो लोकेशन है वो नवादा बिहार आ रही है। टीम जो है नवादा बिहार के लिए रवाना की गई और जो हमारे अकाउंट डिटेल्स थे जिनमें पैसे ट्रांसफ़र हुए उसके बेसिस पे जिन एटीएम से पैसों का विड्रॉल हुआ है वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुई और जो हमारे संदिग्ध नंबर्स मोबाइल नंबर्स हमें प्राप्त हुए थे उसकी आईडी पे जो फोटोग्राफ्स थे उनसे मैच करते हुए जो अभियुक्त है उसको हम लोगों ने नवादा बिहार से उसकी गिरफ्तारी की है और लगभग 6 बैंक अकाउंट्स वो ऑपरेट कर रहा था और उसने जो वेबसाइट तैयार की थी उसके द्वारा बयान में बताया गया है कि एक साउथ के किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उसके द्वारा संपर्क स्थापित कर ये वेबसाइट डेवलप की है और उसको होस्ट करवाया है और लगातार देश भर से लोगों को लगभग 15 से 20 लाख की उसके द्वारा ठगी की गई है। हमारे द्वारा विवेचना में जो और भी पीड़ित हैं इसमें उनसे भी संपर्क स्थापित किया जा रहा है और उसी क्रम में जो है विवेचना की जाएगी। अपनो उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, तमाम देश और दुनिया की अपडेट्स के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।